Hello everyone, I hope you all are doing great. Today I am with another topic of biochemistry, and that is Michaelis-Menten equation. So basically Michaelis-Menten equation, ये नाम दिया गया एक scientist थे जो Michaelis, जिन्होंने बहुत ज़्यादा contribution किया इस equation को define करने में, इस equation को derive करने में. तो इसलिए इसे नाम पे उसे रखा गया. तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन वहां से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है. इसी चीज़ को उन्होंने एक इक्वेशन के बेस पे डिराइव किया. तो इस इक्वेशन में उन्होंने क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लिया, जिसमें कि उन्होंने क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आगे की तरफ जो रिएक्शन हो रही है उसको K1 ले लिया गया, और रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन था एंजाइम सबस्ट्रेट से जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है वो K-1 ले लिया. सेम उन्होंने क्या किया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जब एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को K2 ले लिया. अब उन्होंने क्या किया, इनिशियल फेज में उन्होंने कहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES यानी एंजाइम और कॉम्प्लेक्स का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, जो ES का ब्रेकडाउन हो रहा है यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से अगेन जो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है उसके इक्वल है. तो यहाँ पे आप अगर इक्वेशन, यहाँ पे जो ये रिएक्शन दिए यहाँ से आप देखेंगे तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगा, K1 कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ओके, इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन. ऑफ रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या है, K-1, और क्या ब्रेक हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो K-1 कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो ये कॉन्स्टेंट है इसे हम एक साइड ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन्हें हम एक साइड ले लेंगे, K-1 अपनी प्लेस पे होगा, यहाँ से K1 जो है यहाँ आ जाएगा और ये कंसनट्रेशन ऑफ E कंसनट्रेशन ऑफ S अपॉन ES हो जाएगा. अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है K-1 अपॉन K1, ये किसके इक्वल होता है, KS के इक्वल होता है. KS है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो हम K-1 K1 की जगह KS की वैल्यू रख, KS को पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये KS इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. ये हमारे हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. अब आगे क्या होगा कि जो टोटल एंजाइम है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एंजाइम जो है दो जगह पे आ रहे हैं, टोटल एंजाइम, एक तो जब वो सिंपल है और एक जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर टोटल एंजाइम कितना होगा, उसे ई नोट से डिनोट करेंगे, तो टोटल एंजाइम होगा कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस कंसनट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. ES कॉम्प्लेक्स में भी तो एंजाइम प्रेजेंट है ना. तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से हमें चाहिए ई यानी कि एंजाइम से प्रोडक्ट फॉर्म होना है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से यहाँ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ES. ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल गई है, इस ई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे हम E की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा KS इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस ES, ठीक है, और बाकी एज इट इज जो है कंसंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स एज इट इज आ जाएगा. अब क्या होगा, KS इज इक्वल्स टू यहाँ जो कंसंट्रेशन है S का उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा E नॉट S माइनस ES एंड कंसनट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब फर्दर क्या होगा, यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा KS मल्टीप्लाई ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये जो यहाँ माइनस में है ये पूरा माइनस में जो यहाँ पर है ये यहाँ आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ES एंड कंसनट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू E नॉट एंड कंसनट्रेशन ऑफ S, ओके. अब यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ES है और यहाँ पे भी ES है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये ES बाहर आ जाएगा, यहाँ से KS प्लस S नॉट, ये सॉरी
एस ये अंदर आ जाएंगे, वो किसके इक्वल होंगे, ई नॉट एंड मल्टीप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहां से हमें कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस चाहिए, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ई नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा के एस प्लस एस। तो यहाँ से हमें ई एस कॉम्प्लेक्स का कंसेंट्रेशन जो है वो मिल गया। अब क्या होगा, जो वेलोसिटी है रिएक्शन की एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो होगी इसकी वो हो जाएगी के टू ई एस, ई एस से कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस ही तो प्रोडक्ट और एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ई एस की जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी वो ई एस की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा के टू, ई एस की वैल्यू क्या थी, कंसेंट्रेशन ऑफ ई नॉट मल्टीप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वो हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, ये हमें यहाँ से थर्ड इक्वेशन मिली। अब जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, सो वी मैक्स से डिनोट करते हैं, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंसेंट्रेशन के टू मल्टीप्लाई ई नॉट, ई नॉट क्या है टोटल एंजाइम, तो टोटल एंजाइम और के टू इसके बराबर जो होगा वी मैक्स होगा। अब हम यहां से के टू ई नॉट की वैल्यू को, के टू ई नॉट किसके बराबर है, वी मैक्स के बराबर, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं के टू ई नॉट है, तो हम इस के टू ई नॉट की जगह वी मैक्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, वी मैक्स मल्टीप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एस, हमने के टू ई नॉट की जगह वी मैक्स को पुट कर दिया। तो यहां से हमें क्या है, मैक्सिमम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मिल गया। ये जो है मैकेलियस ने दिया था, लेकिन बाद में इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, हेल्डेन ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, ये जो इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, इक्वेशन क्या थी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ ब्रेकडाउन के बराबर होगा, लेकिन हेल्डेन ने क्या किया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन, उन्होंने रेट ऑफ ब्रेकडाउन में क्या ऐड किया, जो ई एस कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी उन्होंने ये कहा कि जब ई एस टूट रहा है वहीं पे ये प्रोडक्ट भी तो फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या लिया, के वन कंसेंट्रेशन ऑफ ई कंसेंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू के माइनस वन, ब्रेकडाउन हो रहा है ई एस, प्लस के टू एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस, यानी ई एस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी तो हो रहा है, यहाँ पे दो चीज हो रही है, यहाँ पे टूट रहा है तो फॉर्म भी हो रहा है, तो उन्होंने ये यहाँ पे ऐड कर, ये इक्वेशन में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, बाकी पूरी इक्वेशन सारी एज इट इज है, सिर्फ ये उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, के वन कंसेंट्रेशन ऑफ ई कंसेंट्रेशन ऑफ एस इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस, ई एस कॉमन है बाहर आ गया, के माइनस वन प्लस के टू ये अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहां से ई नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ ई कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस, यहां से ई एस जो है यहां आ गया, और ये जितने कॉन्स्टेंट है ये एक साइड हो गए, के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन। अब यहाँ पे जो k माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन है ये किसके इक्वल है, के एम के इक्वल, के एम है मैकेलियस मेंटेन कॉन्स्टेंट, मैकेलियस मेंटेन कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे अब इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, के एम, तो ये हमें फिफ्थ इक्वेशन मिलेगी, के एम इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ई कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स। अब सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था कि टोटल एंजाइम क्या होगा, ई नॉट, ई नॉट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ई प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस, यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये ई की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई नॉट माइनस ई एस मल्टीप्लाई एस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस, इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। तो के एम इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ एस माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस मल्टीप्लाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ये डिवाइड में है, यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, के एम कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज, एंड देन ये यहाँ जो माइनस में है इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ई एस दोनों में कॉमन है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ई एस बाहर आ गया,
और यहाँ से Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S ये ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल्स टू E नॉट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ S. अब कंसंट्रेशन ऑफ जो ES कॉम्प्लेक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट और जो कंसंट्रेशन ऑफ S है ये सेम एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S जो है यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा. तो यहाँ से जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km मैकलियस मेंटेन कॉन्स्टेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिली. अब जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी के टू ई एस. ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, के टू ई एस है, ई एस की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है. तो ये ई एस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के टू ई नॉट कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एस. अब वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होता है के टू टोटल एंजाइम, तो के टू ई नॉट की जगह हम वी मैक्स को पुट करेंगे. ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ एस अपॉन के एम प्लस एस. तो यहां से ये जो है इक्वेशन जो है ये डिराइव हो गई. पूरी इक्वेशन हेल्डेन की जो है मैकलिस मेंटेन की तरह थी, उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया कि उन्होंने जो जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था उन्होंने कहा वहाँ पे फॉर्मेशन भी तो हो रहा है प्रोडक्ट का. तो क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है मैकलिस मेंटेन का था इसीलिए उन्हीं के नेम पे इस इक्वेशन को रखा गया. अब इसी पे बेस कुछ ग्राफ्स भी इसमें आते हैं जो कि मैं किस तरह से उस ग्राफ को डील करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.